पर कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली में अजय माकन संबोधित कर रही हैं। यहाँ पे सोए हुए नरेंद्र मोदी और पूरे मंत्रिमंडल जाग जाएं। हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, उस साइड से आवाज नहीं आ रही है। हल्ला बोल हल्ला बोल, उस साइड से आवाज नहीं आई। हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे आसाम से सांसद युवा साथी गौरव गोगोई जी को कि यहां पर आए और महंगाई पर हल्ला बोल के इस रैली के शुरुआत करें और यहां पे हम सब लोगों को संबोधित करें। हल्ला बोल हल्ला बोल, अरे हल्ला बोल हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल। मंच पर विराजमान राज्यसभा के हमारे नेतागण मल्लिकार्जुन खड़गे जी, यहां पे उपस्थित राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, लोकसभा के हमारे लीडर अधीर रंजन चौधरी जी, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी महासचिव केसी वेणुगोपाल जी, मंच पर विराजमान सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, हमारे स्टेट पीसीसी, स्टेट सीएलपी, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरीज, एआईसीसी सेक्रेटरीज, विभिन्न हमारे एनएसवाई यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल और फ्रंटल के सभापति सभानेत्रीगण, यहां पे मेरे सबसे सम्मानित पूरे देश से आए हुए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस दल के सेनापति, हमारे सैनिक, आप सभी को मेरा शत शत नमन। मैं सबसे पहले इस मंच से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो आज आप लोगों ने जो संदेश आज देश को भेजा है, जो संदेश प्रधानमंत्री मोदी जी को भेजा है। अगर सत्ता पर बैठे हुए भाजपा ये सोचती है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आइए इस रामलीला मैदान में और देखिए हमारे कांग्रेस पार्टी की शक्ति, देखिए राहुल गांधी जी का नेतृत्व, देखिए। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी डर गई? क्या आपको लगता है कि ईडी से राहुल गांधी जी डर गए? अरे आइए, और अगर आप में अगर हौसला है तो अगर मीडिया को आप निमंत्रण दीजिए, मीडिया को बोलिए कि यहां से प्रसारण दे, यहां से लाइव प्रसारण जाना चाहिए, ताकि देश को पता चलना चाहिए कि अगर एक पार्टी है जो देश के लिए लड़ रही है तो वो कांग्रेस पार्टी है, अगर एक नेता है जो देश के लिए लड़ रहा है वो राहुल गांधी जी है। ना हम ईडी के सामने, ना हम सीबीआई के सामने, ना हम आईटी के सामने हम माथा टिकने वाले हैं। हम सर झुका के नहीं, हम सर उठा के आंख से आंख मिलाकर सत्ता पक्ष के उनकी जितनी भी गलतियां हैं, हमारे सारे गलतियां हम उजागर करेंगे, हम लड़ेंगे, हम देश के लिए लड़ेंगे, किसानों के लिए लड़ेंगे, श्रमिकों के लिए लड़ेंगे, महिलाओं के लिए लड़ेंगे, हम मजदूरों के लिए लड़ेंगे। अरे ये कांग्रेस पार्टी का हाथ किसी नेता का हाथ नहीं, ये देश का हाथ है, ये युवाओं का हाथ है, और हम सब आज देश के लिए लड़ रहे हैं। अगर सबसे बड़ी समस्या कोई है आज के तारीख में, जौनपुर वाले कार्यकर्ता के नाम है महंगाई की समस्या। हमारे बेरोजगार युवाओं को पता है कितनी हताशा वो महसूस करते हैं जब वो घर में जाते हैं और देखते हैं कि घर में जब त्योहार होता है तो हम अपना दिल खोलकर हम त्योहार मना नहीं पाते। हम देखते हैं अपने माओ के आंखों में कोई विश सही ढंग से नहीं कर पाते, तो उस कोने में हम देखते हैं हमारे पिताओं के माथों पर आगे उधर कोने में पसीना, उधर चलिए सब लोग, जब वो देखते नहीं दे पा रहे पानी का खर्चा, वो नहीं दे पा रहे मोदी सरकार। अरे कितनी अहंकारी है ये मोदी सरकार कि बार बार देश के आवाम कह रहे हैं कि हमको रिहाई दो, हमको मेहनत
कर दो। और ये सरकार, ये मोदी सरकार किसके पक्ष में काम कर रही है? वो बड़े बड़े उद्योगपति के लिए। कोविड के समय जब लोगों के पास खाने का अनाज नहीं था, अब बच्चों के पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, ऐसे समय पे भी इस केंद्र सरकार ने अडानी के लिए काम किया और आज अडानी के अच्छे दिन आए हैं। लेकिन हमारे जो यहाँ पे युवाओं हैं, हमारे जो किसान हैं, हमारे जो महिला हैं, और हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि कितनी हमको मुसीबत हो रही है। अब जीएसटी जो डाल दिया है, हर चीज पे जीएसटी, पेंसिल पे जीएसटी, अनाज पे जीएसटी, दही पे जीएसटी। अरे मोदी जी, खाए तो क्या खाए, और अगर आपने शमशान पे भी जो